गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जित उत्पाद एवं उसका निष्कासन, जिस क्रम में हमने यूरिन के फॉर्मेशन तक पढ़ा था। अब देखते हैं कि मूत्रण यानी मिक न्यूट्रिशन क्या होता है। किडनी के द्वारा निर्मित जो यूरिन होता है वो अंत में फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका के तंत्र के द्वारा इस ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक ये संग्रहित रहता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप ये संकेत उत्पन्न होता है और इसकी जो भित्ति होती है, यूरिनरी ब्लैडर की भित्ति जो होती है, इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेज देता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से यूरिनरी ब्लैडर की चिकनी पेशियों के संकुचन और जो मूत्राशयी अवरोधनी के शीतलन के लिए एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे यूरिन का उत्सर्जन होता है। यूरिन के उत्सर्जन की क्रिया ही मिक न्यूट्रिशन या मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका की क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाता है। एक जो वयस्क मनुष्य है वह प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है और ये एक विशेष गंधयुक्त जली तरल है जो कि रंग में हल्का पीला और थोड़ा सा अम्ली, इसका पीएच मान जो है वो -6 तक होता है, यानी अम्ली होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन यूरिन के द्वारा होता है। विभिन्न अवस्थाएं यूरिन की विशेषताओं को प्रभावित करती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या पानी कम पी रहे हैं या पानी ज्यादा पी रहे हैं तो वो जो है वो इसकी विशेषताओं को प्रभावित करता है, या हमको कोई बीमारी वगैरह हो गई है तो ये प्रभावित करता है। इसी प्रकार हम जो खाने पीने में जो भी हम खाने पीने का लेते हैं भोजन में, वो भी हमारे यूरिन को प्रभावित करता है। यूरिन का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकार और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में भी मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया और कीटोन काय की उपस्थिति कीटोन यूरिया और मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर के पास जाने से यूरिन टेस्ट कराओ, है ना, तो यूरिन टेस्ट के द्वारा बहुत सारे उसमें जो उपस्थित तत्व है उसके द्वारा कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गया मुख्य उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब हम देखते हैं कि उत्सर्जन में बॉडी के अन्य अंगों की क्या भूमिका होती है। तो इसके पहले हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा फुफ्फुस यानी फेफड़े जो है वो हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करते हैं। यकृत जो है वो मृत रक्त कणिकाओं को और अतिरिक्त नाइट्रोजनस पदार्थों को, है ना, ये पृथक करता है। इसी प्रकार त्वचा जो है पसीने के द्वारा बहुत सारे अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में किडनी के अलावा हमारे फेफड़े, यकृत, त्वचा ये भी उत्सर्जी अंग की भांति कार्य करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 मिलीलीटर प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्रावन करती है, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेराइड हार्मोन्स, विटामिन और जो भी हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं, औषधि वगैरह खाते हैं, वो सब होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ ही बाहर निकाल दिया जाता है और जो बचा हुआ रहता है वो यूरिन के साथ बाहर निकाला जाता है लिक्विड के रूप में। जो छोटे अणु होते हैं उनको यकृत किडनी के द्वारा छान कर यूरिन के साथ बाहर किया जाता है और जो बड़े अणु होते हैं वो लीवर के द्वारा छान कर मल के साथ बाहर निकाला जाता है। त्वचा में, हमारी त्वचा में बहुत सारी श्वेत ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां होती है और इनमें से जो स्रावित होने वाला पसीना या तेल है वो भी हमारे बॉडी के कुछ उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करती है। श्वेत ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला पसीना एक जली द्रव है जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल ये सब होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य जो है वो शरीर में वाष्पीकरण के द्वारा शरीर के बाहरी सतह को ठंडा रखना होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन ये जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ हमारे बॉडी के कुछ उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर उत्सर्जित करने में सहायता करता है। तेल ग्रंथियां सीबम के द्वारा कुछ स्टेरॉल, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन
और मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैली कवच प्रदान करता है। और कुछ नाइट्रोजनी अवशिष्टों का श्रावण जो है वो लार के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है वृक्क की विकृतियां। विसर्जन तंत्र में वृक्क जो है मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें अगर ये वृक्क सही ढंग से काम नहीं करता है तो बहुत सारी विकृतियां आ जाती है, जिसके कारण ब्लड में यूरिया की मात्रा जो है वो जमा होने लगती है, जिसे कि यूरिमिया कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। ये वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, किडनी को खराब करने के लिए यही कारण जो है वो मुख्य रूप से होता है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन जो है वो हीमोडायलिसिस के द्वारा, रक्त अपोहन के द्वारा किया जाता है। हीमोडायलिसिस का आपने नाम सुना ही होगा, एक उपकरण होता है सेलोफेन के ट्यूब से बना हुआ, जिसमें बॉडी के पूरे ब्लड को निकालकर इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है और फिर से बॉडी में चढ़ाया जाता है। इसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है, रक्त अपोहन। रोगी की धमनी से रक्त को निकालकर इसमें हिपेरिन मिलाया जाता है ताकि ब्लड का थक्का ना जमे, और फिर इसको उस मशीन में अपोहनकारी इकाई में बना होता है। और इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और एक ऐसे द्रव से घिरा रहता है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अवशिष्ट को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना, वैसा छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन जो है वो सांद्र प्रवणता के अनुसार होते रहता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ जो है वो बाहर की ओर गमन करते हैं, जैसे हमारे वृक्क के नेफ्रॉन में किया जाता है, और ये रक्त को शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध रक्त में फिर हिपेरिन विरोधी डाल दिया जाता है और इसको रोगी की शिराओं के द्वारा फिर से शरीर में भेज दिया जाता है। ये विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने के लिए अंतिम उपाय जो है वृक्क प्रत्यारोपण है। जब किडनी पूरी तरह खराब हो जाती है तो किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील किडनी का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसको अस्वीकार नहीं करें। आधुनिक क्लिनिकल विधियां इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ा रही है। नेक्स्ट इसकी विकृति है रीनल केलकलाई। वृक्क में बनी पथरी तो सुने ही होंगे आप लोगों ने, है ना, या अघुलनशील क्रिस्टलित लवण के पिंड, जो कि ऑपरेशन के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। ग्लोमेलो नेफ्राइटिस गुच्छशोथ, ये वृक्क के गुच्छशोथ की प्रदाहकता के कारण होता है। तो इस प्रकार हमारा उत्सर्जन तंत्र का ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।